नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में बात करूंगी पैरों के नीचे छिपकली का आकर कुचलकर गलती से मर जाए या फिर हमारे किसी और कारण गलती से छिपकली का मर जाना हमारे जीवन में भविष्य में होने वाले शुभ या फिर अशुभ संकेत देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, छिपकली का दिखना घर पर या फिर हमारे आसपास कहीं पर भी दिखना आम बात होती है। छिपकली को देखने में ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, इस कारण से लोग उसे अपने आसपास से या फिर घर से भगाने के कई उपाय भी करते हैं। बहुत से लोग छिपकली को देख के भी डर जाते हैं, तो कुछ लोग छिपकली को देख के घृणा भी करते हैं, इस कारण से कुछ लोग छिपकली को मार भी देते हैं, तो कभी कभी हमारे पैरों के नीचे भी गलती से कुचल जाती है। छिपकली को जानबूझकर मारना या फिर चलते चलते गलती से पैरों के नीचे आ जाती है और छिपकली मर जाती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, शुभ या फिर अशुभ, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ ये भी जानेंगे अगर अशुभ है तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप ज़्यादातर देखते होंगे छिपकली ठंडी के मौसम में छुपकर कहीं सोती है, जल्दी दिखाई नहीं देती, पर गर्मियों में अक्सर दीवारों के साथ या फिर ज़मीन पर भी चलती दिखाई देती है और कभी गलती से पैरों के नीचे भी आ जाती है और दबकर वो मर जाती है, या फिर और किसी कारण से छिपकली गलती से आपके कारण वह दबकर मरती है, तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये घटना शुभ फल देती है। यदि आप छिपकली को जानबूझ के मारते हैं तो सामर्थिक शास्त्र के अनुसार ये अशुभ माना जाता है और ये भविष्य में आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, यदि आपसे छिपकली गलती से मरती है या फिर पैरों के नीचे आके मरती है तो ये शुभ फल देगी, ऐसा माना जाता है। भविष्य में आप कोई नया कार्य मिल सकता है और कार्य में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अचानक से आपके पैरों के नीचे आके छिपकली मरती है तो भविष्य में आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा या फिर जल्द ही आपको संतान प्राप्ति का समाचार भी मिल सकता है। दोस्तों, आपसे कभी भी गलती से छिपकली मरे तो या फिर पैरों के नीचे आकर छिपकली कुचल जाए, ऐसे में आपको मिट्टी के गाड़ देना चाहिए, तभी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।